So it's me, Raj Baden, here at Star Parivar Awards in Mumbai, and with Star Plus, the UK's number one Asian TV channel, and BizAsiaLive.com. And I'm so happy to have the cast of, well, part of the cast of Sohani Si Ek Ladki. Kaise ho aap? Bahut achhe. Aapko mubarak. I know your show itna time se chal raha hai, and it's been doing really well. UK mein bhi bahut achha chal raha tha. How has it been for you? Bahut achha experience tha. 3 saal sabne itna pyar diya, itna saath diya. कि थोड़ा दुख है कि अब सुहानी नहीं रहेगा, पर हाँ इतनी यादें हैं और सुहानी ऐसा किरदार था कि हमेशा याद रहेगा. थैंक यू सो मच. एंड व्हाट अबाउट यू, आपकी मेमोरीज? शो बस बहुत अच्छा ही नहीं चल रहा है. द शो हैज़ कंप्लीटेड 1000 एपिसोड्स. इट इज़ कंप्लीटेड 3 लॉन्ग ईयर्स जो हमें पता नहीं चले कि कैसे बीते. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लव, द ब्लेसिंग, द सपोर्ट ऑफ द व्यूअर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव. आप आए आज फॉर स्टार परिवार अवार्ड्स, आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है. पिछले कुछ सालों से सदस्य रहा हूँ मैं स्टार परिवार का, और स्पेशल मोमेंट है क्योंकि 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं. अच्छी यादें रहेंगी जिंदगी भर इसकी हमेशा. और आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सबकी यादें वैसे ही मेरी यादें, और एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि कहेंगे, अचीवमेंट कहेंगे, कि 1000 एपिसोड 6:30 स्लॉट पे जो हमने कंप्लीट किए, और जितने भी व्यूअर्स का सपोर्ट था उसके लिए सबको बहुत 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 थैंक यू. आपने बोला ना 6:30 बजे 6:30 जो स्लॉट था, यू आपने वो क्रिएट किया बिकॉज इट वाज अ डेड स्लॉट बिफोर, एंड यू डिड दैट या इट्स बिकम अ ट्रेंड सेटर नाउ. अब तो यू नो सो मेनी अदर टाइम स्लॉट्स, बट इट्स सोहानी से एक लड़की स्टार्टेड दैट स्लॉट. यू नो हाउ डज इट मेक यू फील ओके यू आर अ ट्रेंड सेटर इन दैट वे? या वी इंडीड आर अ ट्रेंड सेटर. 6:30 स्लॉट, वी व्हेन द शो बिगन वी नेवर थॉट इट्स गोइंग टू गेट सो मच लव, सो मच अप्रिसिएशन. And 3 long years, 1000 episodes means a lot. And Star Parivar, it's not just an award, it's also an occasion to bring the whole the ensemble cast together as a family. I wish you all the best with everything, and all the best. Have a good time tonight. Thank you so much.